हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 के फिजिक्स के लेसन नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। मींस आपके पास एक तार होगा, उसको आपको खींच करके उसकी लंबाई को दुगुना कर देना है, तो जो नया तार बनेगा उसका हम लोग को प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल में क्या दिए, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। क्या दे रखा है? तार का प्रतिरोध R बराबर 12 ओम। तार का प्रतिरोध क्या दे रखा है? R बराबर 12 ओम दे रखा है। फिर क्या कहा है? देखिए बाबू, इसकी लंबाई को दुगुना किया जा रहा है, तो नया प्रतिरोध में तो लंबाई और क्षेत्रफल यही दोनों से रिलेटेड है, तो आपने प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। अभी इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? रो L बट्टा A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है लंबाई है, और A क्या है क्षेत्रफल है। बराबर कितना हो जाएगा? 12 ओम। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? फर्स्ट। ये पुराने वाले प्रतिरोध जो था, वो तार था, उसका प्रतिरोध हो गया। अब नया प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात करना है, जो तार को लंबाई दुगुना किया जा रहा है। तो यहां हिंदी लिखेंगे, यदि तार की लंबाई को दुगुना किया जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग मोटाई भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास पहले लंबाई जो L थी, अगर नई लंबाई L डैश हम लोग ले, तो ये अगर L को, L डैश को L का दुगुना किया जाए तो A का जो A डैश का मान होगा, नया वाला क्षेत्रफल का मान पुराने वाले क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ये दो इक्वेशन, जैसे यहाँ पे अगर देख लीजिए, ये तार है, अगर इसकी मोटाई यहाँ पर A है, लंबाई L है, इस लंबाई को अगर हम बड़ा कर रहे हैं, इसका दुगुना कर रहे हैं, मतलब 2L कर रहे हैं, तो देखिएगा इसकी जो मोटाई है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कहीं और से तार ला नहीं रहे, इसी को खींच करके हम लोग लंबा कर रहे हैं। अगर ये 2L कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A बटा 2 हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध? नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। आर डैश बराबर क्या होता है? रो, विशेष प्रतिरोध तो सेम टू सेम रहेगा, रो एल बट्टा एल डैश बट्टा ए डैश। रो एल, एल डैश का मान कितना है? 2L है, और ए डैश का मान है ए बट्टा 2। अगर इस मान को 2 से ऊपर करें तो क्या हो जाएगा? रो 4L बट्टा ए। 4 को बाहर निकाल दीजिए, रो L बट्टा A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, रो L बट्टा A का मान 12 हम लोगों ने किया है, तो 4 गुणे 12 ओम बराबर 48 ओम। अर्थ नया तार का प्रतिरोध बराबर 48 ओम। ठीक है, तो ये इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। इसमें कई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, तो अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।